देखा है। इसके बाद यहाँ की कुल देवी की देवी का दर्शन, और ये इस किले के आखिरी पॉइंट पर है हम, और शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो यह किले का आखिरी भाग अभी समाप्ति की ओर, और कुल देवी के दर्शन करने के बाद हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये जो पत्थर यहाँ पे ऐसी मन्नत मानी जाती है कि पत्थर पे पत्थर रखने से अपनी जो विश है वो पूरी होती है। यानी कि सर आपका कहना है कि जो पत्थर के ऊपर अगर हम पत्थर रखते हो तो हमारी हर इच्छा पूरी होती है, तो आप दिखा सकते हो कि ये कैसे होता है? यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लोग पत्थर से अपनी जो भी विश है पूरी करने के बाद यहाँ से इनको लेके जाते हैं। क्या इन सर इस माता का इतना प्रभाव पड़ता है लोगों पे कि वो तो सब अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, उस पर हम कोई ऐसा सुना जाता है, और इतनी यहाँ पे आप पब्लिक भी देख सकते हो तो सबसे माना जा सकता है कि यहाँ पे ये बातें सब सत्य हो सकती है, बाकी ये सब विश्वास और श्रद्धा के विषय। के लिए आपको कैसा लग रहा है? यानी कि आपको ऐसा कंफर्टेबल बैठ रहा है जैसे कि आप बहुत एंजॉय ले रहे हो, जिस तरह कि आप कम से कम 4-5 घंटे से आप यहाँ पे घूम रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें दिखी जो आपको पुरानी बातें याद रखती हैं? वाह, जो पुरानी बहुत पुरानी जो किला है वो पहली बार देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम आरजी है, आरजी गुरुदेव स्टूडियो कर रहे हैं जो मैं। हाँ हाल तो रहे। ओके क्यों करो। हेलो दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान के साथ हमेशा अच्छा वक्त जरूर नहीं होता कि उसका अच्छा वक्त कब आए, हर इंसान के साथ बुरे वक्त भी आते हैं, और उन बुरे वक्तों में इंसान अपने आप को अगर संभालता है तो वही इंसान हर हाल में जीतता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर चीज़, हर वो आवाज़ उसको पहचानो, और हर चीज़, हर वो आवाज़ जिनके अंदर अपन जा रहे हैं, और उस चीज़ को, उस प्रकृति के नियम को देखो, और इस सारे संसार को देखो, जिस तरह ये लोग, जिस तरह अपन लोग हर चीज़, हर वक्त, हर लम्हा अपने साथ नहीं होता, सिर्फ साथ होते तो अपने दोस्तों की मोहब्बत और दोस्तों का साथ। थैंक यू।